हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में देखेंगे कि गैस गीजर हमारा ये किस तरह से काम करता है, कैसे हम पानी को ऑन करते ही ये ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है, इसको कुछ बटन कुछ नहीं दबाना पड़ता, कैसे ये काम करता है, इसके लिए मैंने कुछ आपको समझाने के लिए कुछ बनाया है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये जानना है तो पूरी वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने गैस गीजर का एक डायग्राम बनाया हुआ है। अभी आपको कुछ कंजस्टेड लग रहा होगा यानी कि हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ये सब कुछ इंस्टॉल होता है। ठीक है, उसके अंदर सेकंड ऑफ ऑल आता है कि इसके अंदर एक वाटर ट्यूब होती है। वाटर ट्यूब हमारी कॉपर की होती है, कॉपर इसलिए यूज करते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट का होता है, इसलिए हम इसके अंदर कॉपर की चीज को यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर की ट्यूब को। इसके बाद इसका ये इनलेट हो गया, ये वाटर ट्यूब होगी। ठीक है, और ये इसका इनलेट हो गया और ये आउटलेट हो गया। ठीक है, इनलेट में एक लगा होता है मैग्नेटिक स्विच, जो कि इसके अंदर जब पानी चलेगा तो ये मैग्नेटिक स्विच ऑपरेट हो जाएगा और ये सर्किट को ऑन कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया इनलेट इसका, और यहां से जब पानी गर्म हो जाएगा तो यहां से आउटलेट निकल जाएगा। ठीक है, वाटर ट्यूब का और इनलेट आउटलेट का हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है बर्नर की। बर्नर क्या काम आता है फ्रेंड्स, जब इसके अंदर वाटर ट्यूब के अंदर पानी जा रहा होता है उसके नीचे से आग जलाने का काम होता है बर्नर का। ठीक है, उस बर्नर के अंदर आग जलती है, जैसे कि हमारे जो रोटी खाना बनाने वाला जो चूल्हा होता है, गैस चूल्हा, उसके ऊपर जो आग जलती है वैसे ही ये बर्नर होता है। यहाँ पे जो ये डॉट डॉट है यहाँ पे गैस निकलेगी और आग जलती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर गैस कैसे आएगी, ये जैसे ये लाइन दी हुई है, यहां से गैस की इनलेट होगी। ठीक है, यहां से गैस आएगी और ये एसओवी है, सोलेनोइड वाल्व, और यहां से हम गैस को कंट्रोल कर सकते हैं कम ज्यादा कंट्रोल वाल्व से मैनुअल, और यहां से हम इसके अंदर गैस जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा बर्नर। बर्नर के अंदर क्या होगा, आग जलेगी, आग जलने से यहां पे डायरेक्ट आग फ्लेम यहां पे लगेगी तो पानी गर्म होकर आगे चलता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये काम कैसे करता है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमने इसका आउटलेट का वाल्व खोला, पानी इसके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर पानी फ्लो स्टार्ट होगा तो ये मैग्नेटिक स्विच ऑपरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक स्विच ऑपरेट होते ही ये सर्किट यहां से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये एनसी बन जाएगा। इसकी कमांड जब कंट्रोलर के अंदर आएगी, जो इसके अंदर कंट्रोलर लगा होता है उसके अंदर जाएगी, तो ये कमांड कंट्रोलर कमांड देगा एक तो लाइटर को और एक एसओवी को। लाइटर को जैसे कि हम लाइटर करते हैं मैनुअल में, वैसे ये चैटरिंग करके यहाँ पे आग प्रोड्यूस करेगा, और ये एसओवी जो सोलेनोइड वाल्व होती है गैस को अंदर जाने के लिए, इसको ऑपरेट कर देगा, इसको ओपन कर देगा। ठीक है, दोनों को कमांड जाएगी, यहां से गैस चली जाएगी और यहां से लाइटर ऑन हो जाएगा। इसके अंदर गैस जाते ही इसके अंदर गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और यहां से चैटरिंग हो रही है, आग प्रोड्यूस हो रही है छोटी छोटी, तो वहां से आग लगने के बाद जैसे इसके अंदर ये एक फ्लेम सेंसर है, जैसे यहां पे आग लगेगी तो ये सेंस कर लेगा कि यहां पे आग लग गई है। आग लगने के बाद ये सीधा डायरेक्ट कंट्रोलर को कमांड दे देगा कि आग लग चुकी है। उस केस में क्या हुआ है, ये लाइटर को ऑफ कर देगा। ठीक है, लाइटर को ऑफ कर देगा और ये आग यहां पे लगी रहेगी। ठीक है, जैसे फिर इसके बाद यहां पे गर्म पानी चलता रहेगा। जैसे हम यहां पे बंद करेंगे वाल्व को तो क्या होगा, ये जो हमने मैग्नेटिक स्विच इसके अंदर लगा हुआ है इनलेट में, ये ऑपरेट हो जाएगा, दोबारा से सर्किट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये फिर कंट्रोलर को कमांड जाएगी, कंट्रोलर को कमांड देगा फिर एसओवी को, यहां से ये फिर गैस की वाल्व को बंद कर देगा। बंद करने से क्या हुआ, यहां पे गैस नहीं रहेगी, फिर ये यहां पे आग भी बंद हो जाएगी। इसी तरह से ये काम करता है फ्रेंड्स। अगर और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, दो सेल लगते हैं कंट्रोलर को ऑन ऑफ करने के लिए। ये एक स्विच है, इसको बैटरी को इसके अंदर पावर देने के लिए, यहां से इसको कमांड देंगे तो ये कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका क्या है, जब यहाँ पे कुछ आग लगती है, कुछ तो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होता है, उसको एग्जॉस्ट निकालने के लिए ये यहाँ पे एक चिमनी टाइप का दिया होता है एग्जॉस्ट को। ठीक है, जो कि बॉडी के ऊपर ही बना होता है, ये होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एक इसका फ्लो डायग्राम कि किस तरह से गैस गीजर काम करता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।